अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग कर लेते हैं जी शुरू। तो आज जी दोस्तों मैं जा रहा हूँ छत पे। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं मंगल वाले दिन मतलब एग कर्लिंग करूँगा, लेकिन आज जो मेरा रात का दिन आ गया। आपको पता है कि दरमियान में मैं किस तरह मसरूफ रहा था। जिन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उन्हें पता है कि मैंने गली में अपडेट भी की थी, और वो भाई कह रही होंगे कि आपने तो गली का बताना था, अपने गार्डन अपने प्लांट सेटअप को बताना था कि गार्डन का क्या हुआ। और तो हुआ ये असल में कि कल मैं ये देख सकते हैं मेरे हाथ, ये हाथों में छाले पड़ गए। चूना ख़तरनाक चीज़ होती है। मैंने गली में चूना किया, पेंट चूना मिक्स करके वो किया, लेकिन आपको पता है जिन जो भाई पेंट करते हैं या उन्हें पता है, उन्होंने कभी किया है, उन्हें पता होगा कि चूना ख़तरनाक चीज़ है। तो बड़े ध्यान से करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। हाथ ग्लव्स पहन के मुझे नहीं पता था, तो कल मैं आधी गली कर सकता। तो मैंने सोचा भाइयों को आज नहीं दिखाता, मैं चूना और लेकर आऊँगा, भिगोऊँगा पूरी गली करके, फिर अपने साथ दोस्तों और भाइयों को दिखाऊँगा। ग्रीन नेट का इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है कि मैं जाऊँ और ले आऊँ, तो ग्रीन नेट इंशाल्लाह लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा तब तक भाइयों को कुछ और किसी और चीज़ का शौक ही करा दिया जाए, तो किसी और चीज़ को शौक करा दिया जाए। फिर मैंने कहा भाइयों को, मैंने कहा था कि मैं जी उन्हें एग कर्लिंग करके दिखाऊंगा अपने लाखी की, जिसका के नाम हम लोगों ने लाडो रख दिया। आज अपने मुर्गों के नाम भी फिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से भाई कह रहे हैं कि नाम आप कर रहे हो लेकिन रख नहीं रहे। तो आज ही हम अपने मुर्गों के नाम फिट करते हैं। तो आज से सबसे पहले मुर्गों के नाम फिट कर देते हैं, जो कि हमारा ये लाखा है, इसका क्या नाम ब्लैक किंग, इसका नाम ब्लैक किंग रख दिया गया। इसका नाम ब्लैक किंग हो गया या ब्लैक बॉस। तो ये इसका नाम ब्लैक बॉस हो गया, ब्लैक बॉस। ये हमारा हीरो जो कि हमारा जावा, ये हीरो, ये ब्लैक बॉस, और ये हमारा, इसका नाम जो है हम रखते हैं विलेन। तो जी आपको पता ही है कि पिनी जो था, पिनी हमारे पास से सेल हो गया, पिनी चला गया। तो अब हमारा एक और नया पिनी आएगा इंशाल्लाह, जल्दी आएगा। और ये आप तब तक चूज़े देखें। तो जी आज से नाम हम लोगों ने फिक्स कर दिए। मसले से देखिए मुर्गी उठी हुई है। तो अभी इसकी एग कर्लिंग भी करते हैं। तो एक बार फिर से आपको नाम बता दूँ, ब्लैक बॉस, हीरो और विलन। ये हमारे फैंसी चिक। तो जी एक बैड न्यूज़ भी है कि हमारे थ्री चिक, एक फैंसी चिक में आशो लोग, एक हमारे बड़े चूज़ों में से ब्लैक मुश्का, और हमारे हस्की चिक्स में एक हस्की चिक एक्सपायर हो गए, उस नज़र लग गई थी। क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला बस हमारे सेटअप को हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। और भाइयों ने भी डोरियाँ देखी होंगी जो कि तोते वाली हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई का कहीं तोते लाने का रहता तो नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज मेरा कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं किस वक्त क्या करूँ और तोते ले आऊँ। तो तोते अगर मैंने लाने हुए तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। असल में मेरे पास पहले तोतों का सेटअप था मेरा, और माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ा सेटअप था, छोटा सेटअप नहीं, बहुत बड़ा सेटअप था। मेरे पास 50 से भी ज़्यादा तोते होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। एग्जीबिशन, कॉकटेल, लव बर्ड, फिंच चलो मैंने कभी रखी नहीं, एग्जीबिशन बजीज, नॉर्मल बजीज, क्रिस्टेड, टफ, रेड आई, टाइप ऑफ हर, जितनी टाइप्स के
थे, रिंग नेक भी रखे थे, हैंड टाइम रिंग नेक, हैंड टाइम कॉकटेल, बहुत चीज़ें रखी थी, लेकिन हमारे उस सेटअप को नज़र लग गई थी किसी के, एकदम से इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि उस नुकसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने सारे तोते सेल कर दिए, और इस दाम पे सेल किए ना कि बहुत दुख हुआ। तो बस किसी वजह से कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, नहीं पता चलता, तो किसी किसी दफ़ा कुछ चीज़ों का नहीं पता चलता और करने पड़ जाती हैं, तो अभी बस एक्सेलिंग करते हैं। और जब अगर आप भाई मुझे कमेंट करें जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट होंगे, अभी मेरे पेपर बस इंशाल्लाह हो ही गए हुए हैं समझे कि तकरीबन मेरे दो पेपर रह गए, तो अगर मैं जब अभी इंशाल्लाह जब मेरी गर्मियों छुट्टी होंगी तो घर वाले अगर मुझे कुछ लेकर देते हैं तो फिर आप लोगों से हम पूछेंगे, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा आगे के वक्तों में एक बेबी गोट लेने का इरादा है, मतलब छोटा सा एक, मैं उसे भेड़ू कहूँगा, वहाँ छोटा बकरी का बच्चा, बहुत मज़ा आता है उसे पालने में, मैंने एक दफ़ा पाला था, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। पैरट मतलब तोते, तोतों की कॉलोनी या ये बकरी का बच्चा, इन दोनों चीज़ों से आप सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप कहेंगे इंशाल्लाह हम वो लेकर आएंगे। तो वो सब अकेले करते हैं। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह से मैंने अंडे भी चेक किए हैं, अंडे सारे सही हैं, लेकिन आप सब से शेयर नहीं कर सक रहा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। ये देखें, मैंने आज दूसरे तरीके से, नया तरीके से अंडों को चेक किया, तो ये आपको तरीका मैं बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगली से अगली वीडियो में। और माशाल्लाह से इसमें भी अभी बच्चे हैं, तो अभी ज़्यादा मुर्गी को तंग नहीं करते, मुर्गी बाहर निकले मारने के लिए, तो बस वीडियो बंद करते हैं और उसके बाद आप सुनिए। तो अभी आपने देखा कि मैं अंडे चेक किए और अंडे माशाल्लाह से तकरीबन ठीक ही हैं, तो बच्चे निकलने का मुझे टाइम नहीं पता फिक्स के किस दिन निकलेंगे, तो जिस दिन निकलेंगे एग हैचिंग वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम क्या करें, और सेटअप को इंशाल्लाह आगे अच्छा भी करेंगे। मास्टर केज बनाने का इरादा है, लेकिन थोड़ा अरसे बाद कच्चा मास्टर केज नहीं है इस जगह में, तो मास्टर केज बनाएंगे मुर्गियों के लिए, मतलब उसके अंदर देखेंगे क्या रखना है क्या नहीं रखना अपने हिसाब से। तो बस ये आपको दिखाना था, और गर्मी बहुत ज़्यादा और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो बस वीडियो ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा ताकि आप देख सकें कि मैंने अपने सेटअप पे, प्लांट सेटअप पे क्या चीज़ है कि अब मैं ये अपनी रूटीन रखा करूँगा कि एक दिन प्लांट सेटअप और एक दिन हैंड सेटअप, ताकि आप लोगों को रेगुलरली सबका पता चल सके, या ये क्योंकि मैं इस तरह नहीं कर सकता एक ही दिन में दोनों चीज़ों की, या इस तरह भी कर सकता हूँ, या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर भाइयों ने कहा, आप लोगों ने कहा कि शाम सुबह हैंड की और शाम को प्लांट्स की, तो फिर ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि एक दिन पौधों की, अगले दिन मुर्गियों की, एक दिन पौधों की, अगले दिन मुर्गियों की, तो देखेंगे। तो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।